हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर एडिक्टिव। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक कोरियन ड्रामा मूवी को जिसका नाम है वॉचिंग, जिसे 2019 में रिलीज किया गया था। कहानी के स्टार्ट होते ही हम एक बिल्डिंग का पार्किंग एरिया देखते हैं जहां पर एक लड़की अपनी गाड़ी में बैठती है, लेकिन उसकी गाड़ी में कोई पहले से ही था और कैमरे पर कोई दूसरा बंदा ये सब देख रहा था। इसके बाद हम अगले सीन में लिली नाम की बंदी को देखते हैं। वो पार्किंग एरिया में गाड़ी खड़ी करके ऑफिस के लिए निकल रही थी, लेकिन तभी उसके हाथ से चीजें गिर जाती हैं, जिसे उठाने में जॉर्ज नाम का बंदा उसकी हेल्प करता है जो सिक्योरिटी गार्ड है। ये लोग पहली बार मिले थे, लेकिन फिर भी जॉर्ज लिली से बातें कर रहा था। वो अपने बारे में बता रहा था, मैं हमेशा से ही अकेला था, मैं हमेशा से चाहता था मेरी सिस्टर और मेरा एक भाई हो, अगर उसकी कोई सिस्टर होती तो वो उसे नूना बुलाता। फिर वो लिली से कहता है, आज से मैं तुम्हें नूना बुलाऊंगा। लिली को भी ये सब सुनकर अच्छा लगता है। जब वो ऑफिस में होती है तब उससे मिलने के लिए उसका बॉस आता है। वो उससे कहता है, तुम्हारे लिए एक काम है जो तुम्हें मुझे बहुत जल्दी ही कंप्लीट करके देना है। ये क्रिसमस का टाइम होता है। लिली ने सोचा था इस टाइम को वो अपनी बेटी के साथ स्पेंड करेगी, इसके लिए वो मना करती है, लेकिन बॉस नहीं मानता। अब उसे ये काम करना ही पड़ेगा। रात को सब लोग चले जाते हैं, लेकिन ऑफिस में वो अकेली काम करती होती है। यहाँ पर उसके साथ उसका बॉस भी होता है। ये दोनों अकेले थे, जिसे देखकर वो उसकी ठुकाई करने की कोशिश करता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करता है, लेकिन लिली उससे अपने आप को छुड़ाकर बाहर निकल जाती है। फिर बिल्डिंग में लिली फिर से जॉर्ज से मिलती है। जॉर्ज कहता है, तुम बहुत ही हार्ड वर्किंग हो, तुम्हारे जितना इस बिल्डिंग में कोई भी काम नहीं करता। लिली उससे ज़्यादा बात नहीं करती और वो उसे एक ड्रिंक देकर वहाँ से चली जाती है। वो अगले दिन जब ऑफिस आती है तब उसका बॉस उसे लिफ्ट में ही मिलता है। उसका बॉस उससे फिर से प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए बोलता है। लिली कहती है, तुम्हें तुम्हारा वर्क कंप्लीट होते ही मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे सॉरी बोलना पड़ेगा। बॉस कहता है, मैं तुम्हें सॉरी नहीं बोलूँगा। इसके बाद हम देखते हैं लिली की कोवर्कर सैंडी जब ब्रेक लेने के लिए स्टेयर्स पर आती है, तब वो देखती है जॉर्ज और उसका बॉस आपस में बात कर रहे हैं। पार्किंग एरिया में भी ये लोग बातें कर रहे थे। ये सब क्या चल रहा है, ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं काफ़ी रात हो जाती है। लिली और सैंडी को यहाँ पर काम करना पड़ता है। लिली को अपनी कोवर्कर सैंडी के लिए बुरा लगता है। वो उससे कहती है, आगे का काम मैं संभाल लूँगी, अगर तुम्हें घर जाना है तो तुम जा सकती हो। सैंडी खुश होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जॉर्ज पार्किंग में कैमरे सेट कर रहा होता है और सारे डोर लॉक कर देता है। कुछ टाइम के बाद लिली भी अपना काम ख़त्म करके पार्किंग एरिया में आती है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा प्रॉब्लम था। वो अपनी कार के नीचे थोड़ा पानी देखती है जहाँ पर एक वायर टूटी हुई थी। जब वो अपने कार का दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ आगे करती है तब उसे थोड़ा शॉक लगता है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तब वो अपने आप को जॉर्ज के ऑफिस में पाती है। वो अपने कपड़े देखती है, वो भी बदल चुके होते हैं। जॉर्ज कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैंने तुम्हें नहीं देखा, तुम्हारे कपड़े गीले हो गए थे जिसकी वजह से मैंने उन्हें चेंज कर दिया। लिली थोड़ा डर गई थी और वो अपनी कार की चाबी ढूंढती है। फिर जॉर्ज उसे कार की चाबी दे देता है। फिर जब वो अपनी कार स्टार्ट करती है तब उसकी कार स्टार्ट नहीं होती। जॉर्ज उसके पास आता है और वो कहता है, मुझे पता था तुम्हारी कार स्टार्ट नहीं होगी, मैंने एक टोल ट्रक को बुला लिया है, तब तक तुम मेरे ऑफिस में वेट कर सकती हो। लिली को अपने शूज़ भी नहीं मिल रहे थे तो वो विदाउट शूज़ कार में आकर बैठ गई थी। अब जॉर्ज उसके लिए ड्रेस से मैचिंग शूज़ लेकर आता है। इसके बाद वो लिली के लिए डिनर लगाता है। वो स्वीट्स में रैबिट केक भी लेकर आया है। लिली ये केक देखकर सरप्राइज होती है क्योंकि अपनी बेटी के लिए वो यही केक लेकर जाने वाली थी। इसका मतलब होता है जॉर्ज लिली की प्राइवेट लाइफ में भी नज़र रख रहा है। इसके बाद लिली जॉर्ज से पूछती है, तुम्हारे पास मेरे साइज के कपड़े कैसे थे? जॉर्ज कहता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड के हैं जो मेरी होने वाली है। लिली को ये बात बहुत ही क्रीपी लगती है। इसके बाद हम देखते हैं जॉर्ज लिली के साथ सेल्फी लेना चाहता है। सेल्फी लेते टाइम वो उसकी नेक पर हाथ रखता है। इसके बाद लिली अपसेट हो जाती है और वो अभी के अभी यहाँ से जाना चाहती है। जॉर्ज उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती। जब वो बाहर आती है तब वो देखती है बिल्डिंग के सारे डोर क्लोज हैं। बिल्डिंग में और भी कुछ डोर हैं जिसे जॉर्ज बंद करके आता है। इसके बाद वो फिर से जॉर्ज के ऑफिस के अंदर आती है जहाँ पर जॉर्ज नहीं होता। वहाँ पर एक डस्टबिन होता है जिस पर उसकी नज़र जाती है। कुछ टाइम पहले पार्किंग में लिली की कुछ चीज़ें गिर गई थीं जिसमें उसकी लिपस्टिक भी थी। ये लिपस्टिक जॉर्ज ने संभाल कर रखी हुई थी। लिली अपने डस्टबिन में जो भी चीज़ें फेंकती थी ये सब जॉर्ज के पास थीं। वो ये सब देखकर बहुत ही डर जाती है।
वो जल्दी से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फ़ोन की लाइन कटी हुई थी। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थीं, जिसमें से वो एक चीज़ को निकाल लेती है। इसके बाद वो कैमरे चेक करती है, जहाँ वो देखती है उसके खुद के घर में भी जॉर्ज ने कैमरा लगाया हुआ है। वो अपने घर में क्या कर रही होती है ये सब जॉर्ज देखता रहता है। वो वहाँ से निकल ही रही थी, तभी वहाँ पर जॉर्ज आ जाता है। जॉर्ज कहता है, तुमने तो सब कुछ देख लिया। लिली उसके सामने हाथ जोड़कर कहती है, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन जॉर्ज नहीं मानता, वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। लिली जाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करती है, लेकिन जॉर्ज उसके हाथ बांध देता है। वो कहती है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे मेरी डॉटर के पास जाना है। जॉर्ज कहता है, अगर तुम्हें अपनी बेटी से मिलना है तो मैं उसे यहाँ पर लेकर आऊँगा। ये जॉर्ज की धमकी थी, अगर लिली नहीं मानी तो वो उसकी बेटी को मार डालेगा। अब लिली को जो वो चाहेगा वो सब करना पड़ेगा। इसके बाद वो लिली को कार में बिठाता है और वो कहता है, मुझे मेलोड्रामेटिक मूवी पसंद है। लड़की लड़के को मिसअंडरस्टैंड करती है और फिर उसके प्यार में पड़ती है। उसे कुछ इस तरीके की स्टोरी लाइन पसंद है, यानी जॉर्ज को लगता है अभी लिली उसे रजिस्ट कर रही है लेकिन बाद में उसके प्यार में पड़ जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं वो कार की लाइट ऑन करता है और कार के सामने सैंडी और उसका बॉस चेयर पर बंधे हुए हैं। वो बहुत फास्टली गाड़ी चलाता है, वो उन दोनों को कुचल देने वाला था, लेकिन तभी गाड़ी स्टॉप कर लेता है। लिली उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो ये गेम खेलता रहता है। जॉर्ज उसे कहता है, ये दोनों तुम्हें बहुत परेशान करते थे, अब मैं इन दोनों को मारने वाला हूँ। लिली कहती है, प्लीज़ ये सब मत करो। जॉर्ज कहता है, फिर हम एक गेम खेलते हैं, मैं इन दोनों में से एक को मारने वाला हूँ, ये तुम डिसाइड करो कि मैं किसे मारूँ। लिली डिसाइड नहीं कर पाती, तब जॉर्ज खुद डिसाइड करता है और फिर वो बेसबॉल के बैट से बॉस को मारता है। बॉस अभी भी जिंदा होता है। इसके बाद वो सैंडी को फ्री करता है और वो उसे कहता है, अगर तुम मुझे फिर से दिखी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जैसा कि हम जानते हैं सारा पार्किंग एरिया बंद है। अब वो सैंडी को भगा भगा कर मारेगा। जब जॉर्ज ये सब कर रहा था तब लिली कार से निकलकर भागने लगती है। फिर पार्किंग में ही सैंडी और लिली फिर से मिलती हैं। सैंडी लिली से कहती है, हम मर जाएंगे। लिली उसे कॉन्फिडेंस देती है कि हम कभी नहीं मरने वाले, तुम परेशान मत हो। लिली के पास जो चाबी थी वो उसकी मदद से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाबी नीचे गिर जाती है और अंडरग्राउंड में चली जाती है जहाँ तक वो नहीं पहुँच सकते। इसके बाद लिली सैंडी को एक लॉकर में छुपा देती है और खुद जॉर्ज पर नज़र रखती है। इसके बाद हम देखते हैं जॉर्ज अपने ऑफिस में आता है और उसके कपड़े खून से भरे हुए थे। वो इन्हें चेंज करके सारे कैमरे देखता है। लिली सारे कैमरों से छुपकर लिफ्ट में जाती है। फिर वो लिफ्ट से नीचे जा रही थी तभी लिफ्ट रुक जाती है। फिर वो नोटिस करती है लिफ्ट में भी एक कैमरा था। जॉर्ज उसे देख रहा था और उसने ही लिफ्ट को बंद कर दिया है। जॉर्ज लिली को यहाँ से लेकर जा सकता है। तब लिली एक ट्रिक यूज़ करती है, वो लिफ्ट के गेट में कुछ फंसा देती है जिससे ना ही लिफ्ट ऊपर जा सकती है और ना ही नीचे। जॉर्ज उसे कहता है, तुम मेरी फीलिंग्स को समझती क्यों नहीं, इतना हार्ड नहीं होना चाहिए। फिर वो सीसीटीवी कैमरे चेक कर रहा था सैंडी कहाँ पर है, फिर ये उसे पता चल जाता है और वो सैंडी को पकड़कर ऑफिस में लेकर आता है। जॉर्ज लिली से कहता है, अगर तुम बाहर नहीं आई तो मैं सैंडी को मार डालूंगा। लिली के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था और वो ऑफिस में आ जाती है, जहाँ पर आकर वो देखती है सैंडी ऑफिस में नहीं है। तब जॉर्ज कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैंने उसे छोड़ दिया है। इसके बाद हम देखते हैं अब लिली जॉर्ज से ठीक से बात करती है। वो जॉर्ज से कहती है, अगर तुम मुझे लाइक करते हो तो मुझे इन हथकड़ियों में क्यों बांध रखा है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ डिनर करूं, तो हम कर सकते हैं। लिली को पैर में चोट आई थी, वो जॉर्ज से देखने के लिए कहती है। जब जॉर्ज उसके पैर देख रहा था तब लिली अपने पर्स में से एक स्प्रे निकालकर जॉर्ज की आंखों में डाल देती है। ऑफिस में एक फिश पॉट भी था, वो जल्दी से उठाकर उसके सिर पर डालती है। वो जल्दी से बाहर भागकर गेट तक पहुंचती है। वो फिर पुलिस को कॉल लगाती है, लेकिन ये पार्किंग एरिया था जहां पर सिग्नल नहीं आते। वो फिर भी हाथ बाहर निकालकर पुलिस को कॉल करती है, लेकिन वो क्या कह रही है पुलिस ऑफिसर्स नहीं समझ पाते। उसके हाथ से मोबाइल भी फिसलकर नीचे गिर जाता है। वो मोबाइल उठाने की कोशिश करती है तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वहाँ से एक ड्रंक आदमी गुजर रहा था, वो उसके मोबाइल को उठा लेता है। फिर इसके दूसरी तरफ हम देखते हैं जॉर्ज को अब होश आ गया है। लिली ने उसके साथ जो भी किया ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया था। वो कहता है, मैं मेलोड्रामेटिक मूवी बनाना चाहता था लेकिन अब ये हॉरर बन जाएगी। लिली उस आदमी को समझा रही थी, प्लीज़ पुलिस को कॉल करो, लेकिन वो नहीं सुनता। अचानक से लिली के पीछे जॉर्ज आ जाता है। तब हमें पता चलता है एक्चुअल में ये आदमी ड्रंक था ही नहीं। फिर वो उसका मोबाइल लेकर वहाँ से चला जाता है।
यहाँ पर हमें पता चलता है इस सब में जॉर्ज ही शामिल नहीं है, कुछ और भी लोग हैं। जॉर्ज लिली से कहता है, प्लीज़ मुझे गुस्सा मत दिलाओ, गुस्से में मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। फिर वो लिली को एक गाड़ी की डिक्की में डाल देता है। इसके बाद हम देखते हैं पुलिस को लिली का कॉल गया था, इसलिए वो चेक करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लिली कार की डिक्की से आवाज़ कर सकती है, इसलिए जॉर्ज पूरे पार्किंग में म्यूज़िक बजाता है। पुलिस हर जगह चेक करती है, लिली कार की डिक्की से आवाज़ भी करती है, लेकिन म्यूज़िक के चलते पुलिस को कुछ भी सुनाई नहीं देता। पुलिस के जाने से पहले लिली बहुत ट्राई करती है वो इस डिक्की से निकल जाए, लेकिन वो नहीं निकल पाती और पुलिस के जाते ही वो डिक्की से बाहर आ जाती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो वहाँ से फिर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जॉर्ज उसे पकड़ लेता है। जॉर्ज अब बहुत गुस्से में आ चुका था, वो लिली को मारने ही वाला था, लेकिन तब तक वो ओल्ड सिक्योरिटी वाला आ जाता है और वो लिली को बचा लेता है। फिर वो लिली को चाबी दे देता है। फिर जॉर्ज और उससे बूढ़े आदमी में फाइट होने लगती है। दूसरी तरफ लिली भागते हुए गेट तक पहुंचती है, वो गेट को ओपन करने ही वाली थी, लेकिन उसके हाथ से कोई चाबी ले लेता है। ये और कोई नहीं, उसका बॉस होता है। इससे पहले सीन में हमने देखा था जॉर्ज ने उस पर हमला किया था। वो लिली से कहता है, क्या मरे हुए आदमी को देखकर तुम सरप्राइज्ड हो? और वो हंसने लगता है। वो कहता है, ये सब हमने नाटक किया था, जो गेम जॉर्ज लिली के साथ खेल रहा था। इस सब में बॉस भी शामिल था। लिली कहती है, क्या ये सब प्रैंक है? बॉस कहता है, तुम्हारे लिए नहीं, ये सब हम तुम्हारे साथ ही कर रहे हैं। ये सब सुनकर लिली जल्दी से बाहर भाग जाती है। फिर बॉस को लिली की गाड़ी के पास से आवाज आती है। वहां जाकर वो चेक करता है तो लिली उसके पीछे खड़ी होती है। बिल्डिंग में आग बुझाने के लिए फायर पाइप है जो अब लिली के पास होती है। वो बाटर की फोर्स से बॉस को इंजर्ड कर देती है। जैसे हमने पहले देखा था, लिली की कार पर करंट होता है, बॉस वहाँ पर जाकर गिरता है और उसे ज़ोर से करंट लगता है, फिर वो बेहोश हो जाता है। कुछ टाइम के बाद जॉर्ज सिक्योरिटी ऑफिसर को मारकर वहाँ पहुँच जाता है। वो बॉस को उठाता है। बॉस अब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, अब मैं लिली को मार डालूंगा, लेकिन जॉर्ज ये नहीं चाहता। जो भी गेम जॉर्ज खेल रहा है वो इसे मेलोड्रामेटिक बनाना चाहता है। वो बॉस की बात सुनकर उससे ही लड़ने लगता है और उसे मार डालता है। लिली भागकर जॉर्ज के ऑफिस में जाती है क्योंकि हर दरवाजे की चाबी उसी ऑफिस में है। लिली के पैर में चोट आई थी और उससे खून बह रहा था। इस खून के पीछे पीछे जॉर्ज भी ऑफिस में पहुंच जाता है। एक लॉकर के अंदर उसे लगता है लिली है। वो उसे खोलता है, लेकिन लिली उसके पीछे खड़ी होती है। वो उसे चाकू से मारने की कोशिश करती है, लेकिन फेल हो जाती है। फिर हम उस लॉकर के पास सैंडी की बॉडी भी देख सकते हैं। जॉर्ज ने लिली से कहा था, मैंने सैंडी को छोड़ दिया है, लेकिन एक्चुअल में उसने उसे मार डाला था। इसके बाद वो लिली को भी मारने लगता है। वो मर रही थी, लेकिन उसके हाथ में उसका शूज आ गया। ये जोर से उसने जॉर्ज के सर में मारा। जॉर्ज बेहोश हो जाता है। फिर बाहर निकलने के लिए लिली गाड़ी स्टार्ट करती है। वो बाहर निकलने ही वाली थी, लेकिन जॉर्ज ने अपनी गाड़ी उसकी गाड़ी से टकरा दी। फिर वो अपनी अपनी कार लेकर एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और तेजी के साथ गाड़ी चलाते हैं। इतनी तेज गाड़ी चलाते हुए एक ही डायरेक्शन में इन दोनों की गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है। जॉर्ज को अपनी गाड़ी में ज़्यादा चोट नहीं आती, वो अपनी गाड़ी से निकलता है, लेकिन लिली अपनी गाड़ी से नहीं निकलती। वो उसके पास आता है और उसे गुड बाय कहता है। अब वो उसे चाकू से मारने ही वाला था, लेकिन लिली ने सिगरेट बर्नर से उसे जला दिया। वो भाग रही थी, लेकिन जॉर्ज उसे पकड़ लेता है। फिर लिली चाकू उसके पेट में मारती है। वो कहती है, अब तुम किसी को भी हर्ट नहीं कर सकते, लेकिन जॉर्ज कहता है, मैं अभी भी बच सकता हूँ और लोगों को भी हर्ट कर सकता हूँ। फिर वो अपना चाकू लेकर अपने आप को मार डालता है। इसके बाद लिली पार्किंग एरिया से बाहर निकल गई। फिर इस मूवी का ट्विस्ट आता है। ये सब जो चल रहा था, ये सब रिकॉर्ड हो रहा था। जिस ड्रंक आदमी को हमने मूवी में देखा था, यही इन सब का बॉस होता है। ये सब रिकॉर्ड हो चुका है और पार्किंग एरिया में डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। ये सब कुछ साफ किया जाएगा और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जॉर्ज ने मूवी में कहा था वो मेलोड्रामेटिक मूवी बनाना चाहता है, हॉरर नहीं। एक्चुअल में वो लिली को बहुत प्यार करता था। उसके साथ वो इस गेम को खेलना चाहता था, लेकिन उसे मारना नहीं चाहता था। लास्ट में जब उसे पता चलता है लिली नहीं मानेगी, तो वो अपने आप को ही मार डालता है। जो भी लोग इस गेम के पीछे होते हैं, वो सारे एविडेंस मिटा देते हैं और फिर ये लोग डिस्कस करते हैं लिली का क्या किया जाए। फिर इनका बॉस कहता है वो इस सिचुएशन को संभाल सकता है। लिली अब फ्री है, लेकिन वो इस इंसिडेंट के बारे में किसी से भी बात नहीं करती। फिर हमें एक इलीगल वेबसाइट दिखाई जाती है जहाँ पर ये मूवी सेल होती है। ये जो इंसिडेंट हुआ था, ये यहीं पर ख़त्म नहीं होगा। इसके पीछे बहुत बड़ा प्लान है और इस टाइप के इंसिडेंट और भी होंगे।
इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।